टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है। नमस्कार साथियों, आपको पता है कि BST ऑल टिप्स हमेशा आपको ट्रेनिंग से अपडेट हो या उद्यम योजना से रिलेटेड हो, उद्योग डिपार्टमेंट के द्वारा बिहार सरकार द्वारा जितने सारे योजना चलाया जाता है जिसका अपडेट यहाँ पे दिया जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूँ, अभी उद्यमी योजना 2022 से 23 का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसका भागलपुर सीपेट की मैं बात करूँ तो उसका आपको 6 तारीख से उन लोग का होना था, लेकिन बहुत सारे लोग को वहाँ से वापस भी कर दिया गया है। तो इसके लिए उसका एक नया डेट जारी कर दिया गया है 15 फरवरी से, और बहुत सारे को मार्च में भी है। तो ऐसे में जो 15 फरवरी से है उसका कॉल आ रहा है, वो मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी कॉल आपका आता है तो उनसे आप पूछें कि आप DIC से बोल रहे हैं या सीपेट के माध्यम से आप बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अगर DIC आपको बोल रहा है तो DIC के बात नहीं को नहीं मानना है, क्योंकि DIC का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, DIC आपको इतना वो कन्फर्म आपको करेंगे कि मैंने क्या किया है कि यहाँ से मैंने भेज दिया है, लेकिन जो भी आपका ट्रेनिंग का खर्च हो, ट्रेनिंग का कंडक्ट कराने का जितने भी जिम्मेवारी है वो सीपेट को दिया गया है। तो ट्रेनिंग सेंटर से अगर आपका कॉल आता है तो ही आपको जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। और मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि आपके पड़ोसी का कॉल गया हो, आपका कॉल नहीं गया हो, फिर भी मेरे भाई आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं पूरा एक एक अपडेट ले रहा हूँ, तो अभी तक 5888 लोगों का ट्रेनिंग बाकी है। तो ऐसे में आपको तकरीबन हमको लगता है 2 से 2.5 महीना आपको लगेगा। तो ऐसे में आपको वेट करना चाहिए, अभी ही हताश हो जाएं, उदास हो जाएं कि मुझे कॉल नहीं आया है तो गलत बात है क्या। तो अभी भी मैं आपको इतना मैं यकीन दिला सकता हूं मेरे भाई कि अभी भी 5888 यानी 5888 लोगों का ट्रेनिंग अभी बाकी है। तो इसके लिए आपको जब कॉल आएगा तो आपको कॉल का वेट करना है मेरे भाई, कॉल ज़रूर आएगा। अगर मैं इतना आपको दिलासा दिलाता हूँ कि अगर हो सकता है कि ट्रेनिंग आपका छूटता है किसी कारणवश, तो उसके बारे में हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब तक आपको अभी तक पूरा का ट्रेनिंग नहीं हो जाता है तो अभी तक आपको निराश नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपके ज़िला या प्रमंडल से हो गया तो आपका नहीं हुआ है, तो ऐसा बात नहीं है। क्या है कि हर ज़िला से 15 या 20 आदमी या 40 आदमी को लिया जा रहा है, आप देखेंगे तो किसी किसी ज़िला में तकरीबन 100-150 आदमी है, उसमें से मात्र 40 लोगों को लेना है। तो ऐसा क्या है कि 4-5 को उसमें से ले लिए, ऐसे 4-5 नहीं, मान लें कि 15-20 को उसमें से, 40 को उसमें से, 30 को उसमें से, हर ज़िला के मिला के तब ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगेगा अरे भाई हमारा तो ज़िला को हो गया, हमारे कहे नहीं हुआ, तो ऐसा बात नहीं है। तो अभी भी 5888 लोगों का ट्रेनिंग बाकी है, तो आपको ऑफिशियली मेरे भाई आपको वेट करना चाहिए, तो कॉल का वेट ही करना है, और जो भी अपडेट आता रहेगा तो BST ऑल टिप्स के माध्यम से हरि नारायण आपको देता रहेगा। तो थैंक यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट एज पर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेशन नंबर एंड एप्लीकेशन कॉपी प्रिंट, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने अप्लाई किया था तो वहाँ पे जो देखेंगे तकरीबन 6 पेज का एक आपका ये PDF होगा, जब आप डाउनलोड करेंगे तो अभी भी लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत जानकारी कुछ करके आता है तो सारे जो दस्तावेज आपका है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, 6 पेज का एक कॉपी होगा वो आपको रख लेना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका यहाँ पर मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड यहाँ पे वैलिड नहीं है, अगर हो सकता है कि आधार कार्ड में दूसरा नाम हो और मैट्रिक सर्टिफिकेट में दूसरा नाम हो, उस पर आपको नहीं जाना है, आपको मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो ओरिजिनल जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो आप दे सकते हैं, नहीं तो जो रिजल्ट के साथ जो रहता है मार्कशीट आप दे सकते हैं, मैट्रिक का, हाँ मैट्रिक का मार्कशीट आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका हो गया, कैटेगरी हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट आपका अनिवार्य है,
कास्ट सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। ऐसे में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट होता है मेरे भाई, जो निवास प्रमाण पत्र हो गया, तो निवास प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वैसे क्लियरली बोल दिया गया है कि साथ में कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए आपका ये इसका अनिवार्य होगा। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका मार्कशीट चाहिए, ओके। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट का यहाँ पर देख सकते हैं जो दस्तावेज है वो आपको, ये आपको रख लेना है आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट एज पर आप हायर एजुकेशन में आप आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो, जो भी हो आप ये दे सकते हैं। कैंसिल चेक, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि कैंसिल चेक आपको चाहिए सेविंग अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि करेंट अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट या ओपनिंग डेट आपका होना चाहिए। ओपनिंग डेट के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना अनिवार्य होगा और कैंसिल चेक आपको यहाँ पे चाहिए। अगर हो सकता है कि आपका चेक नहीं है सेविंग अकाउंट का, तो पासबुक का जो फर्स्ट पेज है वो आप दे सकते हैं। रही बात यहाँ पे 12 नंबर पर जो दिया गया है जीएसटी सर्टिफिकेट, तो जीएसटी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे बना लेना चाहिए क्योंकि आपका ये अनिवार्य है। जब देखेंगे संदीप पांडे साहब ये आपको ट्वीट कर दिया है, तो इसके लिए आपको, हाँ अगर मान लेते हैं कि आपका बैंक ओपन हो गया है फिर भी आपको जीएसटी मैंडेटरी है, आप अलग से जीएसटी बना लीजिए। इसके बाद आपका है कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये दस्तावेज आपका होना चाहिए। एक चीज़ इसमें छोड़ दिया है फ़ोटो, तो फ़ोटो मेरे भाई एक फ़ोटो भी आपको चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज जो आपका फ़ोटो है वो फ़ोटो भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक किया है, तो दो फ़ोटो भी आप रख लीजिएगा, मॉक इमरजेंसी के लिए दो चार फ़ोटो आप रख लेंगे तो ठीक रहेगा। ये जितने भी दस्तावेज है आपको इसका आपका जीरोक्स फ़ोटो कॉपी है वो होना चाहिए और कलर वाला जो है वो आपका होना चाहिए, ओके। ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल ले जाइएगा, ओरिजिनल यहाँ पे जमा नहीं होगा लेकिन आपको वेरिफिकेशन में काम आएगा, आपको मांग कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि ओरिजिनल एंड जीरोक्स दोनों मैं यहाँ पे मेंशन आपको कर रहा हूँ, दोनों आप लेकर के जाएं। A few moments later. संजय राव जी बोल रहे हैं? हाँ संजय राव जो केंद्र से बोल रहे हैं, आपका प्रशिक्षण है सिपेट हाजीपुर में जी? ना सिपेट भागलपुर है, भागलपुर, हाँ सिपेट भागलपुर में 15 फरवरी से 21 फरवरी तक, ठीक है सर। अगर विशेष समझना है तो ऑफिस में आकर पता लगा लीजिए सर। जीएसटी ले जाना पड़ेगा क्या सर? हाँ सब चीज जो पेपर है सब तीन कॉपी में ले जाना है, ओरिजिनल सब चीज, ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों, हाँ सब चीज सब चीज। विशेष जानकारी के लिए ऑफिस में आ जाइएगा, अगर ठीक है सर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहाँ 80 आदमी का यहाँ उन्होंने कहा कि अभी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, अभी कहा कि यहाँ रहने सहने का भी एक समस्या है, ठंड का भी समय, मान लीजिए कि आप लोग रख भी ले दे भी दे, तो आप लोग खाने पीने या रहने का एक समस्या और समस्या है, आप लोग का घर अगल बगल में नहीं है, एक समस्या होगा। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बहुत सारे जिला हैं, एक जिला है नहीं है, 14 जिला संभव ही नहीं है एक साथ एक दिन में करने का, जब भी होगा तो क्रम तरीके से ही होगा। और कोई भी DIC वाले कॉल करेंगे उनकी बातों पर हम नहीं बात मानते हैं, ये यहाँ से शूट वाले सिपेट वाले कॉल करेंगे वही व्यक्ति यहाँ आएंगे बारी बारी से, और सभी लोग का क्रमबद्ध तरीके से आप लोग का ट्रेनिंग होगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार संभव ही नहीं है कि यहाँ आप लोग सबको हम दिला सकते हैं जी जी। तो अभी फिलहाल 3 जिला का यहाँ प्रोग्राम रखा गया जो बगल के चल रहा, जो रह सकते जैसे भागलपुर है, बांका है या पूर्णिया है, तकरीबन 76 है, 76 लोग का अभी ट्रेनिंग चालू आज से हो गया है, नेक्स्ट मंडे से फिर आप लोग का बुलाएंगे, वो आएंगे उनका ट्रेनिंग भी उसी तरह से। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है, BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।